बालोतरा जिले के ग्राम पंचायत धारणा में प्रधानाचार्य रामनिवास दिवाकर के सानिध्य में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धारणा नयापुरा व अन्य विद्यालयों में कारगिल विजय दिवस हेतु विद्यालय परिवार ने शहीदों के नाम 2 मिनट का मौन रखकर राष्ट्रगान के बाद एक सभा का आयोजन किया, जिसमें विद्यार्थियों को मोटा राम पनवार, ओम प्रकाश डारा, विक्रम शर्मा ने संबोधित करते हुए देश के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले उन वीर शहीदों की याद दिलाते हुए उन्हें नमन किया। कई छात्र छात्राओं ने अपने उद्बोधन में 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय दिवस की शौर्य गाथा को दोहराते हुए वीर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए अपने सहपाठियों में जोश खून में नई स्फूर्ति पैदा की। वीरता का पाठ पढ़ाते हुए बालक बालिकाओं ने देश के प्रति प्रेम, जोश, जिद और जुनून बनाए रखने का संकल्प लिया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयापुरा में वृक्षारोपण का संदेश देते हुए प्रधानाध्यापक मोहनलाल शर्मा, राणा राम राजपुरोहित, सतीश चंद्र मीना, अशोक योगी सहित स्टाफ ने राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगभग 100 पौधे लगाकर इस मुहिम को सफल बनाने के साथ इसे जियोटैग करने का संकल्प लिया। श्री पनवार ने बताया कि यह धरती श्रृंगारित और खूबसूरत बनी रहेगी और बरसात होने की संभावनाएं भी अधिक बनेगी। सभी जीव जंतु प्रसन्नचित और आनंद में रहेंगे। मंजू जी और आप सभी बच्चे अपना एक एक नाम बताए दो। आपका नाम क्या है? भावना। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ नाम बोलते जाओ। ये कौन सा पौधा है? हाँ, तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने को आतुर ये बच्चे और हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ आज कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष में और एक भावना भी है पेड़ पौधे लगाने की। पेड़ पौधे हमें ही नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं को सुकून और शांति प्रदान करते हैं। कुदरत हमारे ऊपर प्रसन्न रहती है, मेहरबान रहती है, तभी तो बरसात की संभावना बनी रहती है। हर एक का फर्ज बनता है, मात्र पेड़ पौधे लगाने से ही कुछ नहीं, इनका संरक्षण, देखभाल, पानी पिलाना और इनकी हिफाजत से ही पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पनपेंगे। ये धरती माँ को भी हरियाली चुनर ओढ़ने को मिलेगी और हम सभी को सुकून मिलेगा। आप सभी बच्चों पौधे लगाओगे ना? आपने कभी पौधा लगाया है? हाँ, सभी पौधे लगाओगे और आप खेत खलिहान, विद्यालय, मंदिर, मस्जिद और एक अलग से बगीचा भी तैयार कर सकते हो। जब हम सभी पेड़ पौधे लगाने का मानस बनाएंगे तभी ये धरती खुशहाल होगी, ये दुनिया खुशहाल होगी, हमें किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं होगी, हर एक रोगों व्याधियों से दूर रहने और हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। मैं पूछना चाहूँगा मोहनलाल जी शर्मा सर से, आपका जो ये अभियान है पौधारोपण का, कितने पौधे लाए हैं आज वृक्षारोपण कर रहे हैं आप? 55 पौधे का हमारा टारगेट था, 60 पौधे हम लेके आए। और इसमें कौन कौन से पौधे हैं? 10-15 जाति के हैं। हाँ, कणजी है, श्रेष है, पीपल है, पीपल है, गुलमोर है। और विशेष करके स्टाफ में से किसकी जो इसमें भूमिका रही जो पेड़ पौधे लगाने में आपका इतना सहयोग कर रहे हैं? सभी सहयोग कर रहे हैं सर, पूरा स्टाफ भी इसमें सहयोग कर रहा है। पिछली बार जो पौधारोपण के सुनीता सौ जी का ज्यादा सहयोग था। अच्छा, आप भी राम जी कुछ कहना चाहेंगे? पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो आप तो खेत खलिहान में भी बढ़िया बगीचे लगा रहे हैं, पेड़ पौधे के प्रति आप बहुत ही अच्छी सहानुभूति रखते हैं और दया भाव रखते हैं सब जीवों पर। प्रधानाचार्य रामनिवास जी दिवाकर, कैसा लग रहा है आपको नयापुरा में आज पौधारोपण कार्यक्रम, हमें भी आमंत्रित किया यहाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ के प्रधानाचार्य श्री मोहनलाल जी शर्मा ने जो वृक्षारोपण का टारगेट दिया हुआ था उसको आज वो पूरा कर रहे हैं। इनकी जियो टैगिंग की जाएगी और समय समय पर बच्चों के द्वारा और स्टाफ के द्वारा इन पेड़ पौधों की देखभाल की जाएगी।